हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं कढ़ी बना रही हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको। देखें, मैंने 1.5 किलो दही ली है। ये मैंने घर पे ही जमाई थी और इसे बड़े से बर्तन में निकाल के मैंने जार से वो कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है। आप इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं। और ये देखें, मैंने बेसन लिया है 400 ग्राम, इसको भी मैंने छान लिया है। और अब हम इस बेसन में 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, थोड़ा थोड़ा, आधा गिलास डाला है मैंने इसमें। और मैं इसे चम्मच से पूरा चला लूँगी, मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड देखें, मैंने इसमें 1 गिलास पानी डालकर इस तरह से इसको, इस बेटर को इस तरह से बना लिया है। ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला है। आप भी इस तरह से बना लें। 1 गिलास मैंने इसमें पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसे, जो मैंने दही ली है उसमें इसे मिक्स कर दूँगी। और इसमें भी हम थोड़ा सा पानी घुमा के इसमें डाल लेंगे। ये देखें, मैंने इसमें भी थोड़ा सा पानी ले लिया और उसमें इसमें भी वापस इसे डाल दिया है। और हम दही में इस बेटर को अच्छे से मिक्स करने वाले हैं। ये देखें, तो फ्रेंड देखें, हमें एक काम करना है, इससे जो मैंने दही ली है उससे बड़ा बर्तन लेना है। और ये मैंने छन्नी ली है आटे वाली, और मैं इसमें सारे बेटर को इसमें छान दूंगी। और मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, इस तरह से आप इसे छान लें पूरे को। और इस तरह चम्मच से चला लें इसको, ये इजी से हो जाएगा, पूरा छन जाएगा। तो फ्रेंड देख ले, मैंने इसे सारा छान लिया है और ये इस तरह की हुई है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड करा था, 250 ग्राम करीब। और मैं इसमें पानी ऐड करने वाली हूँ 1 से 1.5 किलो। ये 1.5 किलो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और ये देखें, ये इस तरह का हो गया है। अब मैं इसे गैस पे रखूंगी और दिखाती हूँ मैं आपको। इसे हम खद्दा आने तक रेगुलर इस तरह से चलाएंगे। ये देखें, हम इस तरह से चलाएंगे जब तक इसमें खद्दा पड़ जाएगा, उसके बाद हम दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें 10 मिनट के बाद खद्दा आ गया था और ये बहुत बढ़िया से पक रही है। ये देखें, एक बात का ध्यान रखें, जितनी आपकी कढ़ी है उससे बर्तन बढ़ा लें, नहीं तो ये उबल जाएगी और मुश्किल हो जाएगी आपको। थोड़ा सा बर्तन बड़ा ले लेंगे तो इसमें उबाल आने के बाद नीचे ही पकेगी, वरनी नहीं तो ऊपर निकल जाएगी सारी। और जब तक हमारी कढ़ी बन रही है, हम कीमे की भी तैयारी कर लेंगे। तो ये देखें, मैंने 1 किलो कीमा लिया है और उसे अच्छे से धो के मैंने इसमें कुकर में कर लिया है। और मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, 1 चम्मच धनिया और ये 1 चम्मच से थोड़ी सी कम लाल मिर्च। हमने कढ़ी में भी मिर्च डाली है। और ये देखें, ये थोड़े से हैं गरम मसाले, ये देख लें आप, बस थोड़े से ही हैं। और ये है नमक, ये भी 1 चम्मच से कम है, हमने कढ़ी में डाला है। और इसमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे और बढ़िया सा इसको भून लेंगे। ये हमने आधा गिलास के करीब पानी डाला है, उसको बढ़िया से भूनेंगे हम। तो देखें फ्रेंड, कीमा हमारा इस तरह से हुआ है, कुछ 5-6 सीटी में। ये अभी और होएगा और भुनेगा भी, अभी नहीं हुआ है। और कढ़ी को देखें, करीब 1 घंटा हो गया इसको पकते हुए और ये अभी आधी पक गई है। अभी 1 घंटे करीब और पकेगी। तो इसमें मैं
ये मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है, एक टुकड़ा अदरक का, उसे बारीक चॉप करा वो डाल रही हूँ मैं इसमें। और ये 5 से 6 हरी मिर्च है, मैंने मोटा मोटा मैंने इस तरह से काट लिया, वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। लेकिन बहुत अच्छे से पक रही है, 1 घंटा करीब और पकेगी और हम दिखाते हैं, हमारा कीमा भी रेडी हो जाएगा और कढ़ी। तो देखिए फ्रेंड, कढ़ी हमारी एक तरफ पक रही है, हम पकौड़ी की भी तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है, इस तरह से चॉप करा है, 6 से 7 हरी मिर्च ली हैं, उन्हें भी इस तरह से चॉप कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। और हम दिखाते हैं आपको, बेसन मैंने 250 ग्राम लिया था और 2 चम्मच उसमें मैंने मैदा भी ऐड करी है, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है इसमें और 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा ये मैं खाने वाला सोडा डाल दूंगी। ये देखें मैंने इतना लिया है बस। और इसको हम पकौड़ी बनाएंगे, अब दिखाएंगे। ये बन गई है, इसको पूरा 1.5 घंटा लगा है और आप देखें जब इसके ऊपर ये रेड रेड सा हो जाए तो समझ लो पक गई है और बहुत अच्छी पकी है। अब मैं इसमें ये हमारा कीमा भी भुन गया, बिल्कुल भुन गया ये, मैं और अब मैं पकौड़ी बनाती हूँ। तेल रख दिया है मैंने, मैंने सब सामान आपको दिखा दिया था और दिखाती हूँ मैं आपको पकौड़ी बना कर। तो फ्रेंड देखे, कढ़ी हमने चूल्हे से नीचे उतार ली है और ये बन गई है, हमने पकौड़ी भी कर ली है, ये रही। अभी इसमें हम ऐड करने वाले हैं, ये देखें, और इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपको कीमा पसंद ना हो, हमने कीमा डाला है, आप स्किप कर सकते हैं। इसको हम मिक्स कर देंगे, हल्का सा चलाएंगे बस। ये देखें, आपको जिस साइज की पकौड़ी रखनी है रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। और इधर देखें, मैंने ये देखें सामान देख लें तड़के का, आप एक मीडियम साइज की प्याज ली है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 4 सूखी लाल मिर्ची ली हैं, 1 अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन के जवे लिए हैं, इन्हें भी हमने चॉप कर लिया है। और हम दिखाते हैं आपको तड़का लगा कर। देखिए फ्रेंड, तड़का हमारा तैयार हो गया है और हम इसमें अब ऐड कर रहे हैं, ये देखें। और हम इसमें अब फाइनल चीज़ डालते हैं बिल्कुल, और हमारी कढ़ी तैयार है। ये हमने गरम मसाला पीसा था, सभी गरम मसाले लेके अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमारे तरीके से बनाएं ज़रूर एक बार और हमें भी बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा प्यार।